हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे। आज के टॉपिक में रहने वाला है सामान्य हिंदी का जो विलोम शब्द का जो चैप्टर था। इस वीडियो में देखेंगे हम 25 क्वेश्चन और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी विलोम शब्द के 25 क्वेश्चन हम उस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बैल आइकन दबा दे और लाइक भी कर दे। और लाइक से हमें अच्छा फील होता है, जब लाइक मिलते हैं तो लाइक से हमें थोड़ा सा और इंटरेस्ट आता है वीडियो बनाने में। तो चलिए बात कर लेते हैं हम विलोम शब्द के 26वें क्वेश्चन के बारे में। स्तुत्य का विलोम शब्द है ऑप्शन ए विहास, ऑप्शन बी हास, ऑप्शन सी हे और ऑप्शन डी हानि। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हे, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सम शब्द का विलोम है ऑप्शन ए खसम, ऑप्शन बी भस्म, ऑप्शन सी विषम और ऑप्शन डी कसम। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, विषम, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सूक्ष्म शब्द का विलोम है ऑप्शन ए स्थूल, ऑप्शन बी बारीक, ऑप्शन सी सिर्ण और ऑप्शन डी पतला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, स्थूल, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, स्थूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द है ऑप्शन ए स्वतंत्र, ऑप्शन बी स्वच्छंद और ऑप्शन सी पराधीन, ऑप्शन डी निरकुश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, पराधीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, सन्मार्ग शब्द का विलोम है ऑप्शन ए सहज मार्ग, ऑप्शन बी सुमार्ग, ऑप्शन सी अमार्ग और ऑप्शन डी कुमार्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, कुमार्ग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, स्वर्ग शब्द का विलोम है ऑप्शन ए वैकुंठ, ऑप्शन बी देवलोक, ऑप्शन सी नर्क, ऑप्शन डी परम धाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, नरक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है ऑप्शन ए पौराणिक प्राचीन, ऑप्शन बी कनिष्ठ ज्येष्ठ, ऑप्शन सी उर्ग सौम्य, ऑप्शन डी ध्वंस निर्माण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, पौराणिक प्राचीन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है ऑप्शन ए भद्र अभद्र, ऑप्शन बी भय साहस और ऑप्शन सी मूढ़ ज्ञानी और ऑप्शन डी मान्य धान्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मान्य धान्य, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, वेमनुष्य का विलोम शब्द होगा ऑप्शन ए विमनुष्य और ऑप्शन बी सोमनस्य, ऑप्शन सी सुमनस्य और ऑप्शन डी अवमनुष्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, व्यास का विलोम शब्द है ऑप्शन ए समास, ऑप्शन बी संश्लेषण और ऑप्शन सी संक्षेप और ऑप्शन डी लघु। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, समास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुग्ण का विलोम शब्द है ऑप्शन ए स्थूल, ऑप्शन बी स्वस्थ और ऑप्शन बी बीमार और ऑप्शन डी कर्मठ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्वस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विपद का विलोम शब्द है ऑप्शन ए आपद, ऑप्शन बी संपद और ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी आबंध। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, संपद, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, वक्ता शब्द का विलोम शब्द है, ऑप्शन ए आयोजक, ऑप्शन बी प्रयोजक, ऑप्शन सी श्रोता और ऑप्शन डी व्याख्याता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन ज़रूर दबा ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, राग शब्द का विलोम है, ऑप्शन ए अनुराग, ऑप्शन बी विराग, ऑप्शन सी आशक्ति और ऑप्शन डी अनुरक्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विराग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शिनिंदा का विलोम होगा, ऑप्शन ए स्तुति और ऑप्शन बी निंद और ऑप्शन सी श्लाघ्य और ऑप्शन डी विरुद्ध। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्तुति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निष्क्लूस का विलोम शब्द है, ऑप्शन ए मुख्यात, ऑप्शन बी कर्तधन, ऑप्शन सी कलुस, ऑप्शन सी कड़ुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कलुस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन ए सात्विक, ऑप्शन बी अभिहय, ऑप्शन सी दृढ़ और ऑप्शन डी शामिस। तो दोस्तों जिसका भी आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स से आंसर ज़रूर दें ताकि हमें पता चलता रहे कि आपने विलोम शब्द कितना पढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सात्विक। क्वेश्चन नंबर 44, तरणा की विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए, ऑप्शन ए वितृषण, ऑप्शन बी वितृषणा और ऑप्शन सी तृप्ति और ऑप्शन डी लोभ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वितृषणा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, मूर्त शब्द का विलोम है, ऑप्शन ए अमूर्त, ऑप्शन बी प्रतिमूर्त, ऑप्शन सी सम्मूर्त और ऑप्शन डी अदृष्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का वो रहेगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, अमूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, लोक शब्द का विलोम है, ऑप्शन ए द्युलोक, ऑप्शन बी अलोक, ऑप्शन सी विलोक और ऑप्शन डी परलोक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, परलोक, ऑप्शन डी। अब बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 48 की, अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 48 से 53 तक क्वेश्चन करने के लिए अब एक निर्देश दिया गया है, उस निर्देश को हमें पढ़कर तब आंसर देना होगा, अगर हम निर्देश को नहीं पढ़ेंगे तो आंसर हम यहाँ पर गलत करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे निर्देश, उसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व। प्रश्न संख्या 48 से 53 तक, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम के चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विलोम छांटकर उसे चिन्हित करें। अब क्या छांटना है हमें, उचित विलोम शब्द, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, ऑप्शन ए अभियोग, ऑप्शन बी रोग और ऑप्शन सी नियोग, ऑप्शन डी भोग। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर रहने वाला है यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, भोग, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था, ऑप्शन ए कोट, ऑप्शन बी अधोवस्त्र, ऑप्शन सी टोपी और ऑप्शन डी साड़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, अधोवस्त्र, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था, ऑप्शन ए कांतिहीन, ऑप्शन बी मलिन, ऑप्शन सी शोकाकुल, ऑप्शन डी कामुक।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, कांतिहीन, ऑप्शन ए कांतिहीन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में हैं, ऑप्शन ए अंबर, ऑप्शन बी पीतांबर, ऑप्शन सी दिगंबर और ऑप्शन डी नीलांबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, दिगंबर, आप सभी को पता भी है। वन, उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे, ऑप्शन ए तर्पण और ऑप्शन बी सूरवीर, ऑप्शन सी अर्पण, ऑप्शन डी दानी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, दानी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ज्येष्ठ मास में निर्जला अकादमी का व्रत बहुत कठिन होता है, ऑप्शन ए हीन, ऑप्शन बी कनिष्ठ, ऑप्शन सी श्रेष्ठ और ऑप्शन डी आदर्श। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, कनिष्ठ, ऑप्शन बी। तो ये थे हमारे 53 क्वेश्चन, एक से लगाकर 53 क्वेश्चन मैंने दो वीडियो में कवर कर दिए गए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे, यानी हमारे टोटल क्वेश्चन 75 थे, 75 में से हमने 53 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। जितने क्वेश्चन बाकी बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।